साहिबगंज की जो घटना है इस जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन उस घटना को किसी की जात से नहीं जोड़ना चाहिए जो भाजपा लोग कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, हम लोग भी सरकार लगी हुई है, आपने देखा होगा अरेस्टिंग भी हुआ है, और जो लोग इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं वो अच्छी बात नहीं है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात ये भी कहूँगा कि अगर 20 टुकड़े 10 टुकड़े ये कौन सा मामला चला आ रहा है देश में, ऐसे लोग हमें लगता है कि साइको से जुड़ा होता है, लोग का कोई समाज नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसकी निंदा करते हैं। तो बांग्लादेशी घुसपैठ देखी जा रही है, निशिकांत दुबे ने कहा है कि आप लोग मतलब आपकी सरकार पूरा बांग्लादेशियों के हाथों में दे दी है संथाल। बिल्कुल, देखिए ये बहुत गलत बात है, मैं सांसद निशिकांत दुबे जी को कहूँगा कि कम से कम इस तरह की बचकाना बातें ना करें, और खासकर सदन के प्लट पर, संसद के प्लट पर अगर इस तरह से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं झारखंड की छवि खराब होती है। आप बांग्लादेश से आप प्लांट लगा रहे हैं, अदानी प्लांट लगा रहे हैं, और आप बांग्लादेश को बिजली बेच रहे हैं, और इसलिए बेच रहे हैं कि वहाँ से आपको अर्निंग करना है, पैसे कमाना है, और दूसरी ओर आप बांग्लादेश को गाली दे रहे हैं। ये दोहरा चरित्र हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बांग्लादेश क्यों, हमारा कहाँ गया, हमारा सेना कहाँ गए, हमारे रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, जो घुसपैठ घुस रहा है, हम लोग क्या करेंगे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसका है, हमारा है क्या? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किनके अधीन है? सेंट्रल के अधीन है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल फेल है, रक्षा मंत्री फेल है, डिफेंस हमारा फेल है, यही नहीं कहना चाहते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कहीं कोई घुसपैठ नहीं है, आप दिखा दीजिए। बेवजह संथाल पंगना, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये गोड्डा क्या है? मैं कहूँगा निशिकांत दुबे जी को कि आप एक तो बाहरी हैं, निशिकांत दुबे जी ही बांग्लादेशी हैं, और हम लोग उन्हीं को खदेड़ेंगे इस बार, चिंता मत कीजिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।